بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارك اور محاسبہ نفس. ہمارا اور آپ کا نفس انسان کا ہمیشہ اسے برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے, غلط کام کی طرف اسے لے کر جاتا ہے, لیکن بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اس کا حساب و کتاب کرے, اس کے بارے میں جانکاری رکھے کہ اس نے اچھا کیا کیا ہے, برا کیا کیا ہے, کہاں اس کو اس کے نفس کے سدھار کی ضرورت ہے, کہاں اسے حرکت دینے کی ضرورت ہے, کہاں اس کے اندر خرابی ہے کہ اس خرابی کو دور کیا جائے. اسی سے متعلق ہمارے سامنے یہ موضوع ہے محاسبہ نفس اور رمضان. میں دعوت دے رہا ہوں شیخ سید عبدالسلام عمری حفظہ اللہ کو, آپ تشریف لائیں اور رمضان المبارک اور محاسبہ نفس کے موضوع پر لوگوں کو معلومات دیں. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قابل احترام علماء کرام, واجب الاحترام بزرگوں, ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں, آپ سبھی کو میرا اسلامیہ تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اور آپ رمضان جیسے مبارک مہینے میں سانسیں لے رہی ہیں. یہ جو موقع ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور بار ملا ہے, اس کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. رمضان کا مہینہ روزوں کا بھی مہینہ ہے, قیام اللیل کا بھی مہینہ ہے, صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے, فتوحات کا بھی مہینہ ہے, توبہ استغفار کا بھی مہینہ ہے, صبر و استقامت کا بھی مہینہ ہے, ہمدردی غمگساری کا بھی مہینہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی جو بھی توصیف بیان ہوئی ہے, ہم میں کے اکثر حضرات ان صفات کو ہمارے اندر لانے, عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے, آمین. معزز سامعین,
रमज़ान के जो फ़ुयूज़ व बरकात हैं वो बेशुमार हैं। दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयां सिर्फ एक किताब से जुड़ी हुई है और वो है कुरान पाक। और इसी कुरान पाक को अल्लाह सुबहाना तआला ने रमज़ान जैसे मुबारक महीने में नाजिल फरमाया है। तो सोचें कि रमज़ान का महीना कितना मुबारक महीना है और रमज़ान का ये वक्त कितना सुनहरा वक्त है। और इससे बढ़कर हमारे नफ्स का मुहासबा करने के लिए कौन सा वक्त बेहतर हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम जो रमज़ान के 15 दिन गुजर चुके हैं, इन 15 दिनों में जो भी हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, सदका खैरात किए हैं, वालिदैन की खिदमत किए हैं, रिश्तेदारी निभाए हैं, भाईचारगी को बढ़ाए हैं, उल्फत व मोहब्बत का पैगाम दिए हैं, इन सारे चीज़ों के ताल्लुक से रिव्यू करें, इसका मुहासबा करें कि कहीं कोई कमी तो बाकी नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इन सारे उमूर में खड़े हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो या बागियल खैर अकबिल, फरिश्ते की इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए अब तक जो नेक काम हम किए हैं आगे भी करते रहे। और अगर कोई खामी, कोई कमी अगर नजर आती है, या बागिय शर अकसिर, बुराई के चाहने वाले रुक जा, इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए अभी 15 दिन बाकी हैं, हमें रुक जाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो अपने गुनाह से एक मर्तबा तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह नहीं होता, अल्लाह सुबहाना ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। और एक कामयाब इंसान भी वही है जो हमेशा अपना मुहासबा करता है। किसी ताजिर को आप ले लें, वो कामयाब कब होगा, जब वो अपना मुहासबा करे कि मेरी जो तिजारत है, अब तक की जो तिजारत है, कितनी नफ़े में है, कितने नुकसान में है, किस मैदान में मुझे पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए, किस मैदान में मुझे पैसा कम लगाना चाहिए। अगर आदमी इसका तज़िया कर लेता है, मुहासबा कर लेता है और अपनी तिजारत को हमेशा वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है तो वो कामयाब ताजिर कहलाता है। तो फिर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, और अल्लाह सुबहानहु ताला हमें ऐसे तिजारत की तरफ दावत दे रहे हैं, तिजारत लन थबूर, कि इस तिजारत में कोई घाटे का खदशा नहीं है, कोई नुकसान का खौफ नहीं है। तो फिर इस तिजारत के ताल्लुक से हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह सुबहानहु ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। रमजान इस मुबारक महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं होता, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाजा खुला नहीं जाता। जन्नत में ले जाने वाले आमाल का करना रमज़ान के महीने में आसान हो जाता है। इस महीने में अगर हमने अपने नफ्स पर काबू पा लिया, अपने नफ्स को काबू में कर लिया, अपने नफ्स को अल्लाह का मुती व फरमाबरदार बना लिया,
इसमें अगर हम कामयाब हो गए और हमेशा हम इस फिक्र में घुलते रहे कि कल मुझे अल्लाह सुबहाना हो ताला के दरबार में हाजिर होना है, कल मेरे आमाल का हिसाब मुझे देना है, हमारे जिंदगी के एक एक पल का हिसाब अल्लाह सुबहाना हो ताला लेंगे। मामूली हिसाब जिससे लिया जाएगा वो तो नजात पा जाएगा, लेकिन जिससे हुज्जत करके हिसाब किया जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। मुआज़्ज़ज़ सामईन, थोड़ी देर के लिए सोचें, अल्लाह सुबहानहु ताला ने कितनी प्यारी जिंदगी हमें दी है, कितने प्यारे रसूल हमें दिए हैं, कितना प्यारा दिन हमें दिया है, कितनी प्यारी किताब हमें नसीब फरमाई और कितनी प्यारी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हयातन तय्यबा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। हम ईमान लाए, अमले सालेह कर रहे हैं तो अल्लाह सुबहानहु ताला खुशगवार जिंदगी गुजारने का मौका हमें दिया है। तो मुअज्जज़ सामईन, हमारी इस जिंदगी को अगर आप 60 साल हिसाब लगा लेते हैं तो 60 साल के होते हैं 21,600 दिन। सोचें, एक दिन में एक गुनाह भी हम कर रहे हैं, मकाम रब्बी, कल अल्लाह सुबहाना हो ताला के हुजूर हमें हाजिर होना है, हमारे जिंदगी के पल पल की जो है हिसाब हमें देना है, तो एक दिन में एक गुनाह हमसे हो रहा है तो 21,600 गुनाह के साथ रब्बुल आलमीन के दरबार में हम खड़े। मुअज्जज़ सामईन, हमारे नफ्स का मुहासबा इस तरह होना चाहिए कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम कितना छोटा गुनाह कर रहे हैं, बल्कि ये देखना चाहिए कि कितने बड़े रब की हम नाफरमानी कर रहे हैं। मुअज्जज़ सामईन, अल्लाह सुबहाना हो ताला हम सबको नफ्स का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज्जज़ सामईन, इम्कानात से भरी इस दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं है, हर आदमी में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं और हर आदमी से कुछ ना कुछ गलती होती है, खता सरजद होती है। हम बिल्कुल मासूम तो नहीं हो सकते, लेकिन इन गलतियों को कम जरूर कर सकते हैं, इन खामियों को दूर जरूर कर सकते हैं। चुनांचे हमारे अंदर सबसे पहले एहसास होना चाहिए कि मैं अल्लाह सुबहाना हो ताला का बंदा हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर खड़े होकर अल्लाह सुबहाना हो ताला की इबादत किया करते थे, पैर सूज जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता, क्यों अपने आप को आप इतना थका रहे हैं, जबकि अल्लाह सुबहाना हो ताला ने आपको मासूम ठहराया है और आपके अगले और पिछले सारे खताओं का अल्लाह सुबहाना ताला ने माफ फरमा दिया है, क्यों अपने आप को इतना थका रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही आजिजी व इंकिसारी के साथ फरमाया था, अफला अकून अब्दन शकूर, क्या मैं अल्लाह सुबहाना ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मुअज्जज़ सामईन, जिंदगी में हम दो हालतों में होते हैं, एक हालत जिसमें अल्लाह की नियामतों का मजा हम लूट रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें अल्लाह सुबहाना ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरी हालत होती है हम किसी गलती में, किसी खता में, किसी गुनाह में मुबतला होते, तो यहां हमें अल्लाह सुबहाना ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए। चुनांचे मुअज्जज़ सामईन, जब आदमी के अंदर खुद एहतिसाबी का एहसास जागता है और जोश व जज्बा अमल के लिए उभारता है तो आदमी अच्छे आमाल करने लग जाता है। चुनांचे इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह मुहासबे नफ्स का
अच्छा नुस्खा बताते हुए उन्होंने इरशाद फरमाया था कि मुहासबे नफ्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आदमी हर दिन सोने से पहले कुछ देर वक्त निकाले और दिन भर की जो उसकी मशगूलियात हैं, जो उसके काम हैं, उसका तज्जिया करे। अच्छे हैं तो अल्लाह सुबहाना वताला का शुक्र बजा लाए, और अगर कुछ बुरे और ख़राब नज़र आते हैं तो अल्लाह सुबहाना वताला से इस्तिग़फ़ार तलब करे और तौबा करे कि आइंदा कल जब मैं आँख खोलूँगा तो इन गुनाहों को रिपीट नहीं करूँगा। अगर हर दिन हमारा ये सेवा बन गया, हमारी ये आदत बन गई, तो हमारे पास जो माइनस हैं, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, इंशाअल्लाह धीरे 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 वो सारी की सारी बुरी सिफात हमसे दूर हो जाएंगी और अच्छी सिफात के हामिल हम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह सुबहाना व तआला हमें इसी चीज़ की तरफ दावत देते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वलतंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुम में से हर एक फर्दन फर्दन अपना एहतिसाब करना चाहिए, अपना रिव्यू करना चाहिए कि दुनिया के लिए तो हमने बहुत कुछ किया है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। घर भी हमने बना लिया है, जायदाद भी हमने बना लिया है, माल हर चीज़ फरावरी के साथ किसी के पास मौजूद है, किसी के पास कमोबेश मौजूद है, लेकिन अल्लाह सुबहाना वताला हमें किसकी तरफ दावत देते हैं, वल तंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कल के लिए तुमने क्या किया है। जब तुम्हारी सांसें तुमसे छीन जाएंगी, जब तुम्हारे अपने सबसे हबीब, अपने प्यारे और सबसे करीब वही तुम्हें अपने हाथों से खबर में उतार देंगे और सारे के सारे अलविदा कहकर आ जाएंगे, अकेला सफर होगा और अकेले हम होंगे, और यह सफर ऐसा होगा कि हमारे साथ कोई और हो ये मुमकिन ही नहीं, हमारे साथ किसी और का अमल हो ये मुमकिन ही नहीं। चुनांचे हमें चाहिए कि हमें अपनी सांस रुकने से पहले अपने सांसों का हिसाब लें। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह ताला हमेशा फरमाते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, क़ब्ल इससे कि तुमसे तुम्हारा रब तुम्हारे आमाल का हिसाब ले, तुम अपना हिसाब खुद सही कर लो। कल तुम्हारे आमाल तोले जाने से पहले इसी दुनिया में अपने आमाल को तुम खुद तोल लो और रब के हुजूर हाजिर होने के लिए तैयारी कर लो। चुनांचे माज़ा सामईन, अलकय्यसु मन दान नफ्सा हुआ आमिल अलिमा बाद अलमौत, अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाए और ज़खीरे आखिरत का अहतमाम कर ले, और बेवकूफ़ आदमी वो है ज़िंदगी में ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा लेकिन सारी की सारी उम्मीदें अल्लाह से लगाया रहा, कोई अमल उसने नहीं किया। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। अब कुछ नुकात की तरफ आप लोगों की तवज्जह मैं मबज़ूल करना चाहता हूँ कि मुहासबे नफ्स में सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो है हमारे अकीदे की दुरुस्तगी। हमारे अकीदे का मुहासबा हमें करना ज़रूरी है। आज जब भी अकीदे की बात आती है हंसी मजाक में बहुत से लोग उसको जो है बहुत ही ईजी ले लेते हैं कि भाई जब देखो अकीदा अकीदा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सही अकीदा ही सही इबादत की तरफ रहनुमाई कर सकता है, सही अकीदा ही सही खिदमत की तरफ रहनुमाई कर सकता है, सही अकीदा ही कल क़यामत के दिन हमें नजात दिला सकता है। अगर हमारा अकीदा सही रहा तो हमारा सारा अमल जो हम नेक अमल किए होंगे कबूल होगा, वरना लयहबतन अमलुक, पहाड़ जैसे जो है आमाल भी हम करके जाएं अगर हमारा अकीदा सही नहीं है, हम अकीदे तौहीद पर कायम नहीं हैं, शिर्क में मुबतला हैं, बिदात में मुबतला हैं, खुराफात में मुबतला हैं, तो मुअज़्ज़ज़ सामईन
हम खसारे में होंगे तो सबसे पहले हमारे अकीदे की इस्लाह होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अरबी में एक मकौला है, अल वक्त कसैफ, के वक्त जो है तलवार जैसा है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो वक्त तुम्हें क्या करेगा, काट देगा। तो चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, वक्त के ताल्लुक से भी हमें अल्लाह सुबहानहु तआला पूछेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी और बेहतरीन दो नेमतें हैं, अस्सेहा वल फराग, अस्सेहा वल फराग, सेहत और फारिग वक्त। चुनांचे रमज़ान का जो ये वक्त है, इसको इबादात में हम ज़्यादा से ज़्यादा गुजारने की कोशिश करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था कि मुजाहिदीन में सबसे अफजल कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा जो अल्लाह सुबहान तआला का जिक्र करते हैं वो है। फिर सवाल किया गया, रोज़े रखने वालों में सबसे अफजल कौन है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरहुम लिल्लाह ज़िक्रा, सबसे ज़्यादा अल्लाह सुबहान तआला का जिक्र करने वाले। नमाज पढ़ने वालों में कौन अफजल है, सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले। सदका खैरात करने वालों में सबसे अफजल कौन है, अल्लाह सुबहान तआला का सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाले। हज करने वालों में कौन अफजल हैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह सुबहान तआला का जिक्र करने वाले। ये सारी हदीस सुनने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि जिक्र अज़कार करने वालों ने सारे खैरात को वो लेकर गए। उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अजल, आपने बिल्कुल सही कहा है। चुनांचे हमारे औकात को अल्लाह के जिक्र में गुजारने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि याद रखें, रब्बुन्नास के जिक्र से दिल मुतमईन होता है, रब्बुन्नास के जिक्र से मसाइब टलते हैं, रब्बुन्नास के जिक्र से आग से नजात मिलती है, रब्बुन्नास के जिक्र से रब राजी होता है। अगर आप रब के जिक्र को छोड़ के नास यानी लोगों का जिक्र करेंगे तो आप बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का जिक्र दवा है और लोगों का जिक्र जो है दा है यानी बीमारी है। चुनांचे हमें अपनी फारिग औकात को गपशप में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इसको कीमती जानते हुए हमें अल्लाह सुबहानहु तआला के जिक्र में गुजारना चाहिए। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारा जो मुहासबे नफ्स हो वो ये कि फ़राइज़ की तरफ हम ध्यान दें कि फ़राइज़ को हम कैसे बजा ला रहे हैं, चाहे अकीदा हो सकता है या पांचों वक्त की नमाज हो सकती है, रमज़ान के रोज़े हो सकते हैं, ज़कात हो सकती है या दीगर जो भी फ़राइज़ हैं, इस मामले में कितने हम खड़े हैं। और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसकी तरफ हम तवज्जो दें, अल्लाह ने कुछ चीज़ों का हुक्म दिया है और कुछ चीज़ों से अल्लाह सुबहाना तआला मना फरमाया है। जिन चीज़ों से अल्लाह सुबहाना तआला मना फरमाया, क्या हम वाकई रुक रहे हैं, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़े से है, मन लम यदा कौला ज़ूरी वल अमल बिही, रोज़े से रह कर भी जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे रोज़े की ज़रूरत अल्लाह सुबहाना तआला को नहीं। चुनांचे हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि मुहर्रमात से कितना हम अपने आप को बचा रहे हैं। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे जो जिस्म के आज़ा हैं, चाहे हमारे हाथ हो सकते हैं, आँख हो सकते हैं, कान हो सकते हैं, ज़ुबान हो सकते हैं, पैर हो सकता है, दिल हो सकता है, इनका मुहासबा हम करें कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, किस रास्ते पर हम चल रहे हैं। क्योंकि मुअज़्ज़ज़ सामईन, रमज़ान का मुबारक महीना है, उसके बावजूद भी बजाए हमारे सर कुरानों में जो है पूरे तरीके से झुके रहें, मोबाइलों में झुके हुए हैं, और हमें हर हमेशा मोबाइल हमारा जो है साथी बना हुआ है, कुरान हमारा साथी नहीं बना है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, याद रखें, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद कब फिर ज़मीन पर उतरते हैं, लैलतुल क़द्र में ज़मीन पर उतरते हैं, है कि नहीं। लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, रमज़ान में लैलतुल क़द्र है और कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है, और हम रमज़ान में ही कुरान से जो है गाफिल हैं,
तो फिर इससे क्या बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। चुनांचे इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इसी तरीके से मुआज़्ज़ज़ सामईन, कुछ और चीज़ों की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। उसमें यह है कि अच्छे साथियों का जो है आप जो है अच्छे साथियों को इख्तियार करें, क्योंकि अच्छे साथी होंगे अच्छी जगहों पे आप लेकर जाएंगे। और जब भी आपकी बैठक होगी अच्छी गुफ्तगू होगी, और अगर बुरे साथी होंगे बुरे जगहों पर लेकर जाएंगे। चुनांचे अलमर व अलादीन खलील, यानी आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। चुनांचे अच्छे साथियों का ये इख्तियार करना जो है ये बेहद ज़रूरी है, तो इसके ताल्लुक से भी हमें सोचना चाहिए। और इसी तरीके से मुआज़्ज़ज़ सामईन, हमेशा हमें चाहिए कि हमें अल्लाह सुबहानहु ताला की रज़ामंदी की खातिर कोशिश करते रहें, क्योंकि अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाया वल्लदीना जाहदु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जितना हम जितनी कोशिश करेंगे, जितनी दौड़ हम लगाएंगे, और जितना अल्लाह सुबहानहु ताला राज़ी करने की हम कोशिश करेंगे, अल्लाह सुबहानहु ताला उतने ही रास्ते हमारे लिए खोलते जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ की तंगी है, सारी तंगियाँ अल्लाह सुबहानहु ताला दूर फरमाएंगे। बस ये है कि हमारे नफ्सों का सही मुहासबा हमें करना आ जाना चाहिए। अल्लाह सुबहानहु ताला हम सबको अपने नफ्सों का मुहासबा सही तरीके से करने और अल्लाह सुबहानहु ताला की रज़ा में हमारी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अल्लाह सुबहानहु ताला हम सबको अता फरमाए। एक शायर की बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अपने में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, अपने में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बना तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अल्लाह सुबहानहु ताला जो भी बातें कही गई हैं उसमें भलाई को अपनाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, और जो भी बातें कही गई अगर उसमें कुछ गलती और कुछ खामी रही है तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है, जिससे मैं अल्लाह सुबहानहु ताला की पनाह में आता हूँ। अल्लाह सुबहानहु ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक हम सबको अता फरमाए। आमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व तक़ब्बलल्लाहु तआला तक मिन वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह खैरन बारकल्लाहु जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। हज़रात, ये मुहासबे नफ्स के हवाले से बड़ी अच्छी बातें आप सुन रहे थे, और जो हम सब के लिए ज़रूरी है इस माह मुबारक में ख़ास तौर से कि अपने वक्त का खसूसी तौर पर हिसाब व किताब रखें। हम कहाँ ज़ाय करते हैं, कहाँ अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इसकी काउंटिंग होनी चाहिए। और एक लाहे अमल, एक तरतीब और तंजीम हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए कि जो बेहतरी की तरफ हमें और आपको लेकर जाए। यकीन माने ये पूरा महीना 30 दिन जो है ये ट्रेनिंग है, दरअसल साल के 11 महीनों के लिए। इस महीने में अगर हम अपनी ट्रेनिंग में कामयाब हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीने को गुनाहों से पाक कर देगा, हमें मुत्तकी बनाएगा। फिर आपको 11 महीने गुनाह की तरफ पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अगर ख़ुद को हमने संभाल लिया इस महीने के अंदर तो इंशाल्लाह आगे के जो 11 महीने होंगे बड़ी आसानी से अच्छाई के साथ गुजरेंगे। और अगर हमारा सिलसिला गुनाहों का इस महीने में भी चलता रहा तो फिर ये तकरीरें और फिर ये बयानात, ये दुरूस बिला फ़ायदा होंगे, और फिर रमज़ान का महीना आए या शव्वाल का या ज़िलक़ादा का, इससे हमारे नफ्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने आप का मुहासबा हम सब करें, जो अच्छाइयाँ कर रहे हैं अच्छाइयों में मज़ीद इजाफ़ा करें, और जो बुराइयाँ कर रहे हैं अल्लाह से तौबा करें और अच्छाई की तरफ पलटने की कोशिश करें।